धमाल सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनर फिल्म कैसे बन गई? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हालिया रिलीज फिल्म टोटल धमाल इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। क्रिटिक्स के खराब रिव्यूज के बाद भी फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है और इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी ने 3 दिन में टोटल 62 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया है। और खास बात तो ये है कि इतना बड़ा कलेक्शन इस फिल्म ने नॉन हॉलीडे वीक में किया है और इसी के साथ ये सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे फिल्म बन गई है। फिल्म ने अपने पहले दिन 16 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 20 करोड़ 40 लाख कमाए और तीसरे दिन 25 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है। तो वहीं फैमिली ऑडियंस को भी किया अट्रैक्ट। जी हाँ, फिल्म ने उम्मीद से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया है, फैमिली ऑडियंस को काफी अपील किया है और इसीलिए फैमिली ने वीकेंड पर इसे हाउसफुल बना दिया, क्योंकि इसमें साफ सुथरी कॉमेडी दिखाई गई है और साथ ही फिल्म में किड्स को अट्रैक्ट करने वाला कंटेंट भी नजर आया। तो वहीं फिल्म के अप्रत्याशित कलेक्शन ने सभी क्रिटिक को हैरान कर दिया, क्योंकि दोस्तों हर एक क्रिटिक ने इसे खराब रेटिंग दी थी। हालांकि ऑडियंस किंग मानी जाती है, वही डिसाइड करती है कि फिल्म अच्छी है या बुरी, और यही वजह है कि फिल्म को पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग मिली है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी, इस फिल्म की कॉमेडी आपको कैसी लगी, अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।